पीएम मोदी अपना 67वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उनके संसदीय क्षेत्र काशी में बीजेपी कार्यकर्ता सुबह से ही जश्न में डूबे दिखे। बीजेपी नेताओं ने बीएचयू सिंह द्वार पर केक काटकर पीएम मोदी के जन्मदिन की खुशी मनाई और पीएम के जन्मदिन पर स्वच्छता का संकल्प लिया। राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कार्यकर्ताओं के साथ झाड़ू लगाकर सफाई भी की। बांदा में भी पीएम के जन्मदिन के मौके पर राज्य मंत्री मुन्नू लाल कोरी और सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने शहर के रामलीला मैदान में सफाई अभियान की शुरुआत की और शहर के माहेश्वरी देवी चौराहे पर झाड़ू लगाई। राज्य मंत्री ने कहा कि पीएम का सपना है कि हमारा देश स्वच्छ और सुंदर हो। हम उनके सपने को साकार करने में भागीदार बन रहे हैं। अभियान तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होने के नाते हम लोग सफाई अभियान करके ही जन्मदिन मना रहे हैं। हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष, पार्टी के महामंत्री, कार्यकर्ता, हमारे विधायक जी, सभी लोग संगठित होकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग सफाई अभियान, सफाई का कार्यक्रम कर रहे हैं। मुगल सराय में भी राज्य मंत्री अनिल राजभर ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत झाड़ू लगाकर की और मरीजों में फल भी वितरित किया। प्रधानमंत्री जी का सपना है स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया। तो आज दिन की शुरुआत हम लोगों ने यहाँ मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में आप सफाई का अभियान चलाकर हम लोगों ने आज दिन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कन्नौज में भी बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति त्रिपाठी ने वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाकर जमकर पसीना बहाया। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से काशीनाथ, बांदा से जफर अहमद, मुगल सराय से प्रदीप और कन्नौज से नित्या मिश्रा की रिपोर्ट।